अभी जो दशवचन पर्व पर अखिलेश पंडित जी ने हम लोगों से बोला कि समय सार की गाथाएं पढ़ना है, तभी मुझे विचार आया कि पढ़ना तो है ही, साथ में प्रियल 8 वर्ष की हो रही थी, उस उपलक्ष्य में कुछ नया करने मन था, तो गाथा पढ़ाने के साथ साथ लिखने का विकल्प आया और उसी के उपरांत ये शुरू हुआ। और अभी अपने समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक रहा, इतने सुंदर और बहुत अच्छे शब्दों में समय सार की गाथाओं को समझने के लिए। इसकी स्टार्टिंग हमने 27 सितंबर से की थी, क्योंकि धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा लिखती थी, उसको अभी हिंदी शुरू ही हुई है, पढ़ना और लिखना आने लगा है और इसलिए और कल ही ये पूर्ण हुआ। कैसा लगा ये लिखते हुए? तुम्हें हाथ धोके हिंदी लिखना, बहुत इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ती हो तो तुम लिख लेती हो हिंदी, हाँ। तो तुम्हें बहुत तकलीफ हुई कि अच्छा लगा? अच्छा। और इतनी सारी 415 लिखी तो कभी तो लगा होगा कि कहाँ से ये मैंने बोल दे लिया, नहीं करना था, ऐसा लगा कभी? कभी नहीं लगा, हाँ? अच्छे से लगा, अच्छे से माइक से तो आप देखें कि अपन कहते बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और ये बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं, हिंदी सीखते नहीं हैं, पर देखो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको दृढ़ विश्वास हो, आपको इस धर्म के ऊपर दृढ़ता हो, अपने तत्व ज्ञान के ऊपर दृढ़ता हो, तो इसने ये काम कर दिखाया कि जो हम बहाने बनाते रहते कि नहीं बच्चे छोटे हैं, इंग्लिश मीडियम में है, होमवर्क है, ऐसा नहीं कि कैसे भी लिख दिया, उसको कितने सुंदर तरीके से जिल्द किया, कितने सुंदर तरीके से उसको कलर भी सोचा, बहुत व्यवस्थित भी लिखा। तो आप सोचो कि इसके पुण्य का तो क्या अपरंपार है, लेकिन अब ये परिवार बैठ के इसको पढ़ेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये पूरा परिवार बैठेगा, इसको खोलेगा और आधा घंटे घंटे इसको पढ़ेगा, डिस्कशन करेगा, अर्थ पूछेगा, तब देखो इनका क्या तत्व ज्ञान खिलेगा। जो अपने हाथ से बनाई चीज होती है उसको पढ़ने का आनंद कुछ और आता है। तो अब इनकी सही परीक्षा तो अब शुरू होगी और हम प्रसन्न भाई से ही निवेदन करेंगे कि इसने तो 27 सितंबर से अभी तक में लिख दिया, कितना समय हुआ? 4 महीने। हम प्रसन्न भाई से कहना चाहेंगे कि अब ये कितने महीने में इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे एक बार, ये इनकी जिम्मेदारी है, क्या कहते हो आप, कितने समय में? एक साल, दो साल, पांच साल, 6 महीने, क्या बोलोगे? हम तो आराम आराम से पढ़ेंगे और अर्थ जैसा पंडित जी ने बोला ना कि एक एक गाथा का अर्थ समझकर और धारण करके पढ़ना है, तो वैसे ही पूरी कोशिश करेंगे। एक लक्ष्य बता दो आज, एक साल में जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, एक साल में ये कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। अब इनकी जो छोटी बिटिया है प्रतीति भंडारी, वो इस समय सार की स्तुति, जो समय सार की स्तुति है, उस पर एक छोटा सा गद्य प्रस्तुत करेंगी।